My name is Lila Kristen. I have come from International Yeshua Fire Ministry. My pastor name is Reverend Raj Ibrahim. Once again, I thanks to God that He has given me a great wisdom, knowledge, and health. From the start, from KG1, I have got good results. I have never got second nor third rank. With God, I have got nice grades. Jesus has helped me in all my classes, and this is my message to all the children. Be with God, trust in God, so you are also getting nice marks. Once again, I thanks to God. This is my testimony. आप सभी शुभ संदेश दर्शकों को मुझ रेवरेंड पास्टर राज इब्राहिम का सलाम, जय मसीह की। एक बार फिर मैं टीवी के माध्यम से आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेके हूँ, और मैं एमपी जबलपुर से हूँ। जबलपुर में हमारा चर्च है, जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया में हर गुरुवार 6:30 से 8:30 हमारी सभाएँ होती हैं, और इतवार को 6:30 से 8:30 वही जगह में हम फिर से एकत्रित होते हैं खुदावंद की इबादत करने। अगर आप हमें साथ में जुड़ के सेवा करना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं, आ सकते हैं, मिल सकते हैं और हमारे साथ सेवा कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर परमेश्वर के वचन से हम आपसे बातें करना चाहते हैं और आपको प्रभु के विषय में बताना चाहते हैं, जो आज आपसे प्रभु बातें करने जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा मौका है। बाइबल कहती है, क्या ही सुहाने हैं वो पांव जो मेल के सुसमाचार को लेके जाते हैं। प्रियो, मैं आपके घर तक तो नहीं आ पाया, मैं आपके शहर तक तो नहीं आ पाया, मैं आपसे रूबरू तो नहीं हो पाया, परंतु मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने मुझको यह अवसर दिया कि मैं टीवी के माध्यम से और शुभ संदेश चैनल के माध्यम से, मैं इस टीम का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस टीम को खड़ा किया कि आज मैं हर एक राज्य में, देश में, जिलों में इस मीडिया के माध्यम से मैं परमेश्वर का वचन बांट रहा हूं। I praise to Jesus। मैं आप बहुत आभारी हूं इस पूरे कैमरे टीम के लिए, और मैं प्रभु की बड़ी आशीष इसको बोलता हूं, क्योंकि काफी समय से मैं खुद भी शुभ संदेश में और भी पास्टर्स के मैं मैसेज को देख रहा हूं, और लोग अपने पैसे को लगा के, लोग अपने समय को लगा के यहां आते हैं कि लोग परमेश्वर के वचन को सीखने पाए। आज मैं भी आपके साथ हूं, जो मुझको बाहर कंट्री में देख रहे हैं, जो मुझको हमारे शहर में, हमारे इंडिया में देख रहे हैं, मैं आप सबके सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उपस्थित हूं, और आज आपसे जो बातें करने जा रहा हूं वो मेरे लिए और आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको नहीं कर रहे हैं तो हम सच में मसीह नहीं है मेरे प्रियो, और मसीह कहलाने का हमें कोई मेरे प्रियो अवसर भी नहीं है। अगर हम मुंह से कहते हैं कि हम मसीह हैं, वी आर बिलीवर्स, तो हम झूठ कहते हैं। आज जब मैं वचन प्रचार करूंगा, आप सुनेंगे तो ज़रूर कहने पाएंगे कि सच में पास्टर राज इब्राहिम जो आपने कहा वो सच कहा। तो आइए यशायाह नबी की पुस्तक उसके 60वें अध्याय को निकालते हैं, और उसमें क्या लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं। अपनी बाइबलों को निकाल लें, उठा लें, और आइए मेरे साथ वचन की ओर चलें। यह लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। बाइबल कह रही है, उठ और प्रकाशमान हो। मेरे प्रियो, हम कब उठेंगे, हम कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को जानेंगे, हम कब इस बात को समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कह दिया है कि उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। मेरे प्रियो, हम बैंक में पैसा आने के लिए देखते हैं कि हमारा पैसा आ गया है, क्या हमारी नई कार आ गई है, क्या हमारी नई गाड़ी आ गई है, क्या हमारी शादी की बात आ गई है, क्या हमारी नौकरी का लेटर आ गया है, हर एक बातों के लिए हम सोचते हैं आ गया है। परंतु बाइबल इतने समय से कह रही है तेरा प्रकाश आ गया है, हम उसको गौर ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको बात को देख ही रहे, क्योंकि हम प्रकाश लेने नहीं चाहते। तो बाइबल कहती कि तेरे ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है कि तुम जगत की ज्योति हो। इतना बड़ा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको पदवी दिया है, और आप जानते हैं कि एक लाइट का क्या काम होता है, वो अंधियारे में उजियाला कर देती है। मेरे प्रियो, ना जाने कितने ऐसे घर, कितने बस्ती, कितने लोग आपका इंतजार कर रहे हैं जो अंधकार में बैठे हुए। मेरे प्रियो, आप लाइट हैं,
आप है मेरी बहन, आप है मेरे भाई, आप मेरी बुजुर्ग माँ, आप हैं। आप ये ना सोचें मैं 60 साल की हो गई हूँ, मेरा यीशु मसीह को क्या काम। प्रभु कहता है बेटी तेरे बाल पकने तक मैं तुझको लेके चलूंगा। मेरे प्रियो आज हमको जरूरी है कि आज हम जो हमें उजियाला मिला है यीशु मसीह की ओर से, जो लाइट मिली है, जो टॉर्च मिला है, उसको घोर अंधकार के ऊपर हम चमकाने वाले हैं। मेरे प्रियो हम कब उठेंगे, कब नींद से जागेंगे? एक समय गस्समी बाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। आप जानते हैं बाइबल को, यीशु मसीह का पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंद बन के बह रहा था। यीशु व्याकुल हो रहा था, मेरे चेले तुम मेरे साथ हो, तुम जगत की रोशनी बन गए हो, मैंने कह दिया पतरस मैं तुझ पे कलीसिया बनाऊंगा, फिर भी इनको ईमान नहीं है, फिर भी ये सो रहे हैं। और वो सोते हुए अपनी सारी बातों को खो रहे हैं। मेरे प्रियो आप जानते हैं मेरे प्रियो कि अंधकार क्या होता है, और आज बाइबल बता रही है उठ तेरा प्रकाश उदय हो गया है और यहोवा का तेज तुझ पे उदय हुआ। व्हाट अ वर्ड, हालेलुया। यहोवा का तेज मेरे प्रियो मुझ पे और आप पे हुआ है, हालेलुया। ये वो ताकत है, ये वो नियामत है, ये वो हस्ती है जो सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो जब सूरज उदय होता है तो क्या करता है, हर एक अंधियारे को उजियाले में वो बदल देता है। मेरे प्रियो तो मुझको भी और आपने वो उजियाला परमेश्वर ने बनाया है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है देख पृथ्वी तो अंधकार और राज राज के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। मेरे प्रियो घोर अंधकार काय पे छाया, पृथ्वी पे छाया, जहां आप रहते हैं आपके घर पे छाया है, आपके जीवन में छाया, आपके पड़ोसी के जीवन में छाया, हो सकता है कलीसियाओं के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। मेरे प्रियो आप इस बात को बुरा नहीं मानना कि पास्टर होके मैं कलीसिया के विषय में कह रहा हूं। अगर कलीसिया ही तेज में हो जाए जो तेज में परमेश्वर चाहता है तो ये घोर अंधकार की परमेश्वर बात क्यों करेगा। परंतु हम कलीसिया में जाते हैं और अपनी सीट को वापस गर्म करके चले आते हैं। मेरे प्रियो बाइबल कह रही है कि देख पृथ्वी पर और राज राज पर घोर अंधकार छाया हुआ है। सोचिए आप कौन से राज में रहते हैं, कौन से प्रांत में रहते हैं, कहां रहते हैं, वहां घोर अंधकार छाया हुआ। मेरे प्रियो इसका लेखा कौन देगा, इसके विषय में परमेश्वर किससे पूछेगा, इसके विषय में यशया के तक कौन जाएगा? मैं जाऊंगा? क्या सिर्फ यशया ही है, क्या सिर्फ यशया ही है जो इस काम को करने जाएगा? आज यशया नहीं है मेरे प्रियो, यशया ने अपनी भाग दौड़ पूरी करके परमेश्वर के पास अनंत काल के लिए चला गया है। क्या आप यशया नहीं बनना चाहते, आप दाऊद नहीं बनना चाहते, आप मेरे प्रियो यूहन्ना और पतरस नहीं बनना चाहते? और मेरे प्रियो इससे बढ़ के पदवी परमेश्वर ने पहले यूहन्ना उसके पहले अध्याय में प्रभु ने कहा जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो यीशु के बेटे और बेटी हैं। तो क्या आप उस बाप के बेटे और बेटी बनके उसकी आज्ञा को मान के राज राज जाति जाति पे जो अंधकार छाया हुआ, घोर अंधकार छाया, क्या उसको उजियाले के लिए आप नहीं जाना चाहते? मेरे प्रियो यशा कहता मैं जाऊंगा, आप क्यों नहीं कहते कि प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भेज और मैं तेरी महिमा करूंगा। मेरे प्रियो अभी समय है, वो समय आने वाला है जब हमको समय नहीं मिलेगा कि हम यीशु मसीह के विषय में बताएं। परंतु हमारा मुंह धन है जब हम अपने परमेश्वर के लोगों के विषय में, जहां हम काम करते हैं, जिस नौकरी को हम करते हैं, जिससे हम दो वक्त की रोटी खाते हैं, जिस फैक्ट्री में हम, स्कूल में हैं, हम नर्सिंग स्टाफ में हैं, हम डॉक्टर हैं। मेरे प्रियो आप क्यों शर्मा रहे हैं? आपके उस डॉक्टर को, उस नर्स को, उस टीचर को, आपके स्टूडेंट को यीशु मसीह की जरूरत है। आप प्रति गुरुवार को, प्रति इतवार को, प्रति आप हर एक सप्ताह में कोई ना कोई चर्च में फेलोशिप करते हैं, वचन को सुनते हैं, टीवी के मार्फत से सुनते हैं। परंतु मेरे प्रियो आप किसी के लिए एक कैंडल नहीं बने, आप किसी के लिए माचिस का तीली नहीं बने, आप किसी के लिए मरकरी नहीं बने, आप किसी के लिए बल्ब नहीं बने। मेरे प्रियो परमेश्वर कह रहा है घोर अंधकार छाया, ये अंधकारे को कौन मिटाएगा? आप उत्पत्ति की पुस्तक को आप जानते हैं, परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा काम करने को तट पे तैयार था कि परमेश्वर ने जैसे ही कहा, बाइबल कहती है अंधियारा और उजियाला अलग अलग हो गया। और बाइबल का परमेश्वर साफ कहता है अंधियारा और उजियाला कभी एक नहीं हो से व्यक्ति ही, धर्मी और अधर्मियों का एक होना मुश्किल है। मेरे प्रियो हम परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, हम परमेश्वर की ज्योति हैं, हम क्यों अंधकार में बैठे हैं? और परमेश्वर का वचन आज आगे मुझसे कह रहा है परंतु तेरा यहोवा का तेज तुझ पे उदय हुआ है और तुझ पर प्रकट हुआ है, जाति जाति तेरे प्रकाश के लिए और राजा तेरे प्रकाश के लिए तेरे पास आएंगे। मेरे प्रियो राजा आएंगे,
तेरे प्रकाश के लिए जो मुझको और आपको प्रभु ने प्रकाश दिया। मेरे प्रियो, आज उठिए, आज अपनी कमर को बांध लीजिए और आप तैयार हो जाइए। आप देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब आप लूका उसके 8 को निकालेंगे तो यहाँ लिखा है, उसके बाद वह नगर नगर गांव गांव प्रचार करता और परमेश्वर के राज का समाचार सुनाता हुआ फिरता था। क्यों फिरता था? राज राज और गांव गांव यीशु मसीह परमेश्वर के सुसमाचार को करता हुआ फिरता था। बट वाय, क्यों? आप सोचें, इस वचन पे ध्यान दें, लूका 8 पे ध्यान दें, मैं फिर पढ़ रहा हूं। इसके बाद वह नगर नगर गांव गांव प्रचार करता और परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाते फिरता था। क्यों फिरता था मेरे प्रियो? क्यों? क्योंकि यीशु एक ज्योति होके आया था और यीशु को एक काम मिला था कि यीशु, मतलब 3-3.5 साल का जो यीशु मसीह का जीवन था, उसमें वो सब को ज्योति की ओर लाने पाए। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू ऊपर पे चला जाएगा तो सबको मैं अपनी ओर खींच लूंगा। मेरे प्रियो, क्या हम उस परमेश्वर के बेटे नहीं, उसके बच्चे नहीं कि हम दुनिया को अपनी ओर खींचने पाए? मेरे प्रियो, आज ये आपके पास अवसर है। ना जाने कितने लोग हैं, ना जाने कितने ऐसे परिवार हैं जो अंधकार में पड़े हैं, वो उम्मीद में बैठे हैं, वो रास्ता देख रहे हैं, किसी दिन कोई आएगा और मुझको इस अंधकार से गड्ढे से निकालेगा। आप याद करिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक कुबड़ी औरत थी, काफी समय से कुबड़ी थी, परंतु वो किसी भी तरीके से किसी भी आलम में ठीक नहीं होना चाहती थी। यीशु मसीह ने जाके उसको कहा, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, और उसके कुबड़ेपन से उसको बाहर ले आया। मेरे प्रियो, न जाने आज कितने लोगों को इस बात की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन अगर आप देखें तो लूका की किताब और उसके 12वें अध्याय और उसकी 35वीं आयत के अंदर आपसे मुझसे अब बड़ी अहम बातें करने जा रहा है। मेरे प्रियो, आपका वचन जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, परमेश्वर वचन आपके सामने है कि उठ और प्रकाश में हो, यहोवा का प्रकाश तुझ में आया, उठ जा मेरे बेटे और अपनी घोर निंद्रा से उठ जा। क्योंकि परमेश्वर का वचन लूका 12 उसके 35 में कह रहा है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारी दिए जलते रहे। तुम्हारी कमरें बंधी रहें, क्यों बंधी रहे? एक युद्ध करने वाले की कमर बंधी रहती है, एक खिलाड़ी का जो बेल्ट होता है वो बंधा होता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ कर गुजरना है। मेरे प्रियो, अगर हमारी कमर नहीं बंधी है, जब हम बेल्ट लगाते हैं तो बेल्ट इसलिए लगाया जाता है कि हमारी कमर बंधी रहे, कि हमारा पैंट जो है वो टाइट रहे। हम ऑफिस जा रहे हैं 8 घंटे की ड्यूटी में, हमारा पैंट हिलने ना पाए, हमारी कमर ढीली ना होने पाए। हम कमर जब ढीली करते हैं, जब हम ऑफिस से आ जाते हैं, हम बेल्ट निकालते हैं, या अपनी टाई जब ढीली करते हैं, जब हमारा प्रोफेशन पूरा हो जाता है। पर बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, तेरी कमर कसी रहे, वो ढीली ना हो, क्योंकि काम अभी खत्म नहीं हुआ। वो समय आने वाला है, वो समय आने वाला है जिसमें हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए आपकी कमर बंधी रहे और तेरे दिए जलते रहें। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि आप दिए को पैमाने के नीचे, बर्तन के नीचे और पलंग के नीचे नहीं रख सकते हैं। आप उसको दीवट पर रखते हैं कि लोगों को लाइट मिले, उजियाला मिले, और जो नगर पहाड़ पे बचा है वो छिप नहीं सकता। मेरे प्रियो, आप कब तक छिपेंगे? मेरे अजीजों, मेरे पासवानों, मेरे बेटे, मेरे जवानों, कितनी मीटिंग्स हुई हैं, कितने परमेश्वर के दास आए, कितनी भविष्यवाणी हुई। आप बड़े खुश हो गए जब चर्च में खुदा के दास ने आपको हजारों लोगों के बीच में बोला कि बेटा तू भविष्यवाणी करेगा, तू प्रचार करेगा। आप बड़े खुश हुए थे, आपने हालेलुया बोला था, हाथ उठाया था, समर्पण किया था, अपनी बुरी बातों से आप फिर गए थे, परंतु आपने उस अंधियारे को फिर से अपने जीवन में वापस ओढ़ लिया और वैसे ही हो गया जैसा मेरा काला कोट दिख रहा आपको। मेरे प्रियो, आप उठे थे परंतु बैठ गए। परमेश्वर कहता है, कब तक अपनी कमर को बांध? मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जब हमारे साथ है, काम करने वाला मसीह यीशु है, हमको तो उसके नाम के लिए खड़े होना, ये तो हमारा सौभाग है। मेरे प्रियो, जो हमको मिला ये बाप दादाओं से नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला कि आपके पिता पास्टर है, इसलिए नहीं मिला कि आपके दादा पास्टर है, इसलिए नहीं मिला कि आप मिनिस्ट्री करते हैं। माय डियर यूथ, इसलिए नहीं मिला कि आप अच्छा गिटार या ड्रम्स बजाते हैं, इसलिए नहीं मिला कि आप अच्छे कीबोर्डिस्ट प्लेयर आप अपने चर्च में है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के अनुग्रह को परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह की सलीब की कुर्बानी के लिए दिया है कि आप चर्च में खड़े होकर गिटार बजाते हैं या वर्शिप करते हैं या वर्शिप लीडर हैं या प्रचार करते हैं। मैं प्रचारकों से
प्रभु के दासों से, आराधकों से मैं प्रार्थना करता हूँ, नए उम्र के बच्चों आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कब उठेंगे। आपको पता है कितनी जवान बेटी और बेटों की गिनती है जो प्रतिदिन सुसाइड कर लेते हैं, नदी में कूद के, पंखों में लटक के, जहर खा के, क्योंकि वो अंधकार में है। जाती जाती राज राज में अंधकार छाया हुआ है। और मेरे प्रियो, हम सो रहे हैं, हम अपने चर्च में गिटार बजा रहे हैं, हम खुश हैं कि परमेश्वर इस बात से खुश है। हाँ, खुश है परमेश्वर हमारे गिटार बजाने से। परंतु परमेश्वर कहता है जब तू चर्च में लोगों के लिए लाइट है तो चर्च के बाहर तू अंधकार क्यों है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब खुद अंधकार है, हम दूसरों को लाइट कैसे देंगे। बाइबल का परमेश्वर कहता है एक अंधा दूसरे अंधे को कभी भी मार्ग नहीं दिखा सकता, पर मार्ग दिखाने वाला मार्ग सत्य और जीवन जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो मुझको और आपको अपना उदय प्रकट किया। बाइबल कह रही है देख तेरे ऊपर यहोवा का परमेश्वर का तेज उदय हुआ। देखिए मैं और आप धन्य, बेटी बेटी आप धन्य। टीवी में मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा बता रहा है आप परमेश्वर से प्रेम करने वाली बेटी है। ओ हालेलुया, परमेश्वर बोल रहा है एंजल जो आप है परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। ओ रॉबर्ट आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, परंतु आप डरते हैं। आप किससे डरते हैं मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर ने डर का नहीं, भय का नहीं, परंतु सामर्थ, प्रेम, संयम का आत्मा दिया है। एंजल और रॉबर्ट, मैं आपको नहीं जानता, वो मेरे सामने तो आप नहीं है, परंतु मैं आत्मा में आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अब उठ के खड़े होने का अवसर आ गया है। मेरे प्रियो, आप अपने एग्जाम्स के लिए, आप अपने नौकरी के लिए अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं, धक्के खाते हुए उस नौकरी की अपनी स्थिति को नहीं खोना चाहते हैं। उठ के खड़े होते हैं कि जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, हमारा घर जीवन कैसे चलेगा, हमारे लिए शादी के कैसे ऑफर आएंगे, हमें लड़की कैसे मिलेगी। मेरे प्रियो, इन बातों की चिंता करते हैं, जिसके लिए बाइबल कहती है तू उन बातों की चिंता मत कर क्योंकि वो तो नाशवंत है, परंतु उन बातों की चिंता कर, उन बातों पर मन लगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को डांट दिया, तू मेरी नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर ध्यान लगाता है। आज आप किसकी बातों पर ध्यान लगा रहे हैं? माता पिता, मैं पास्टर राजीव रहमान आपसे हाथ जोड़ के विनती निवेदन करता हूं। ओ परमेश्वर का वचन कहता है, ओ आप जब पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसके छठवें अध्याय में, अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते मेरे मार्ग की चेतावनियां दे। अगर आपने नहीं दिया है मेरे प्रियो, तो बहुत ही आपने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में काम किया। अभी भी समय है, अभी भी समय है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको मैं छली से मारता हूं, उसको मैं कोड़े लगाता हूं। अगर तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो, वो गलत रास्ते में, उनको छली लगाओ, कोड़े लगाओ, वो नहीं मरेंगे परंतु उनके पावंद लोक से बच जाएंगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का तेज आपके बच्चों पे आया है, आपके बच्चों के ऊपर अभिषेक आया है, आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आया है। क्यों आपने रोक रखा? ऐसे ही होता तो मरियम ने मना कर दिया होता। मरियम कहती मैं यीशु मसीह को जन्म नहीं दूंगी, मेरी ऑलरेडी यूसुफ से शादी हो चुकी है, यूसुफ की मैं हो चुकी हूं, मैं क्यों गर्भवती हूं, यूसुफ इस बात से मुझको छोड़ने पे है। मेरे प्रियो, आप इस बात को जाने, मरियम ने परमेश्वर की बात को नहीं नकारा क्योंकि परमेश्वर का तेज उस पे प्रकट हो चुका था और वो जान ली थी कि मैं सृष्टिकर्ता को जन्म देने जान रही हूं। उसने परमेश्वर के दास से, परमेश्वर के स्वर्गदूत से कहा अब तो वैसा ही होने दे जैसा मेरा खुदावंद चाहता है और मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश उदय हो गया था और वो तैयार हो गई थी। मेरे प्रियो, या आप तैयार नहीं है? आप कब तैयार होंगे? सोचिए मरियम के जीवन से, सोचिए एक कुंवारी बच्चा पैदा करने में कितनी बातें होंगी, कितने लोग उसको बातें सुनाएंगे, क्या क्या बोलेंगे। जिस यूसुफ के साथ शादी हो रही है वो छोड़ने को तैयार हो गया था, आप जानते हैं मेरे प्रियो, परंतु उसने किसी बात की चिंता नहीं करी। ओ उसने सारी बातें दूर किया, अब जो हो सो हो, मेरे जीवन में उसकी इच्छा पूरी होने पाए, मेरे जीवन में उसका उदय आया है, मैं बहुत से लोगों को जियाले में लाऊंगी और यीशु को जन्म दूंगी। मेरे प्रियो, उसने यीशु को जन्म देने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर आपकी शादी होने वाली होगी और आपको कहा जाए तुम पास्टर बन जाओ, खुदा का आपके पास पैगाम आता है, तो आप नहीं बनोगे। आप बोलोगे अरे मेरा लाइफ चालू होने वाला है, मैं क्यों पादरी बनूं। उसकी भी शादी होने वाली थी और मरियम जवान और खूबसूरत थी और किसी पुरुष को नहीं देखी थी। उसका दिल नहीं था कि वो एक पुरुष को देखे, उसका दिल नहीं था कि वो शादी करे, परंतु उसके बीच में एक बात आ गई, तेरे ऊपर मेरा सूर्य उदय हुआ है, मेरी रोशनी आई है। मरियम तुझको पहले वो करना है मेरे प्रियो, शादी करने के पहले, नौकरी में जाने के पहले खुदा का काम करना है। ओ आप खुदा का काम करेंगे, खुदा आपका काम करेगा, खुदा आपको वहां पहुंचा देगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप बहुत समय से परिश्रम कर रहे हैं, बहुत समय से नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, आपने मैट्रिमोनियम में डाला है, मैरिज ब्यूरो में डाला है, पास्टर से बोला है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने परमेश्वर के तेज को, परमेश्वर के अभिषेक को तुच्छ जान लिया है। हम उस आग में नहीं, उस पहले प्रेम में नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रकाश हम पे आया था। कुछ दिन हम उस लॉ में चले, उसके बाद हमने उस लॉ को छोड़ दिया।
मेरे प्रियो, लौ वो होती है जो खुद को जलाती है और दूसरों को रोशनी देती है। हम जलना ही तो नहीं चाहते हैं, हम जलना ही तो नहीं चाहते हैं। अगर हम जलना चालू हो जाए, मैं बता रहा हूं, भारत देश यीशु मसीह के नाम में उजियाले में आ जाएगा, हिंदुस्तान यीशु मसीह का हो जाएगा, ओ पूरा देश यीशु का हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने सारे कुल भाषा जाति लोगों के लिए अपने बेटे को दिया और यीशु मसीह क्रूस पे हमारे लिए मारे गए कि बहुत से लोगों को उद्धार और छुटकारे मिलाए। मेरे प्रियो, आज समय है, तुम्हारा प्रकाश आ गया है। आखिरी बात मैं बोल के खत्म करूंगा, यशे नबी की पुस्तक अगर आप उठेंगे तो मेरे प्रियो, यशे नबी साफ कह रहा है 60वें अध्याय के अंदर, देखें आप मेरे साथ हैं और मैं आपसे बातें कर रहा हूं। मेरे प्रियो, जब हम यहां पे आते हैं और आपके साथ में बातें कर रहा हूं, तो उठ तू प्रकाशमान हो, प्रकाश हो तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु कह रहा है यहोवा का आत्मा तुझ पर है, क्योंकि यहोवा के सुसमाचार सुनाने के लिए तेरा अभिषेक किया गया है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा अभिषेक परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए है। मेरा और आपका अभिषेक परमेश्वर की ओर से है कि हम दुनिया को लाइट में लेके आने पाए। अगर मेरे प्रियो आपने यशायाह 60 और 61 को सुना है, दोनों किताब आपके सामने, दोनों अध्याय आपके सामने खुले हुए हैं। मेरे प्रियो, आज आपको चूज करना है कि आपको पहले क्या करना है। मरियम को याद कर लेना आप, कि मरियम ने शादी नहीं देखी, मरियम ने शादी के आनंद के विषय में नहीं सोची कि मैं अपने हस्बैंड यूसुफ के साथ हाथ डाल के लोगों के घर में खाना खाने जाऊंगी। उसने सारी बातों को दरकिनारे करके कहा, मैं पहले प्रभु यीशु मसीह को जन्म दूंगी जिसके द्वारा लोगों का उद्धार होने पाए। मेरे प्रियो, नौकरी के पहले, शादी के पहले खुदावंद के काम को करने की सोचिए, खुदा आपके काम को करेगा। आज के मैसेज से परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह आपके सामने हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जवान और बेटी बेटी से मेरी खास गुजारिश है, अपनी कलीसिया के और यीशु के पिलर्स बन जाइए। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, मैं आपका दास रेवरेंट राज इब्राहिम प्रार्थना करता, एक एक लोग इस मैसेज के द्वारा आज प्रभु परमेश्वर पिता अपने जीवन के साथ तेरी ओर जाए, जिन्होंने सेवा छोड़ दिया था एक नया बल पाए, फिर से सेवा पे आए, उन लोगों की परवाह ना करें। ओ परमेश्वर पिता, वो उठ के खड़े होकर तेरे नाम की बड़ाई करें और जो कोई बीमार है वो चंगा होने पाए। मैं आत्मा में जैसा देख रहा हूं, एक बहन एक सीरियल को देख रही है जो काफी समय से बच्चे के लिए रुकी है, यीशु मसीह में परमेश्वर बेटा आपकी कोक को खोले, बहन आपकी कोक को खोले, आशीष पाए। एक बहन को मैं देख रहा हूं, पैर पे लकवा है और जवान बहन है, यीशु मसीह के नाम से ओ परमेश्वर की सामर्थ्य लकवा छोड़ दे और आप चंगे हो जाएं। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं, ओ दो बेटे को देख रहा हूं पिता जो शराब के नशे में पिता ओ बीते दिन में एक्सीडेंट हुआ है और वो बिछौने में पड़े, यीशु मसीह के नाम से उन दोनों बेटे के ऊपर यीशु का पुनरुत्थान का सामर्थ्य आए। यशायाह नबी 53:6 कहता है, बेटा मेरे कोड़े खाने तू चंगा और अचंगाई को रिसीव करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ अनुग्रह के दाता, एक बहन जो मेरे प्रसारण को इस प्रोग्राम को देख रही है, काफी समय से उसके घर में तंगियां परेशानी है, बहन परमेश्वर तुझसे कहता है मैं तेरे घर की घटी को पूरी करने में समर्थी हूं, बस उठे और मेरा प्रकाश तेरे ऊपर आया। प्रभु दया करिए, इन लोगों के लिए आपने बातें किया, ये गवाही देने पाए, बताने पाए कि टीवी में प्रसारण आया, खुदा ने हमसे बात ही किया, क्योंकि ये मुझको, मैं इनको नहीं जानता हूं, आप इनको जानते हो पिता। सारे पास्टर लीडर्स और परमेश्वर पिता, हर एक जवान बेटे बेटी कलीसिया से आराधक खड़े हो जाएं पिता, कि तेरा प्रकाश जल्द से जल्द लोगों तक आने पाए। सारी बातों में तुझे महिमा देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, सुन के यीशु के नाम से पवित्र आत्मा ग्रहण करें, आमीन। अब सब दर्शकों को मुझराज इब्राहिम का एक बार फिर से सलाम है और आपसे निवेदन है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जुड़ के सेवा कर सकते हैं, फेसबुक में, यूट्यूब्स में मेरे मैसेज दे सकते हैं, ईमेल पे, फोन पे डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं और परमेश्वर के राज में जैसा मैं उजियाला हूं आप कईयों को उजियाले में ला सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।